जय लक्ष्मी माँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया श्रुति। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप ठीक होंगे। माँ लक्ष्मी का कल भी विसर्जन हुआ था और आज कई जगहों हमारे एरिया में नहीं हुआ था, तो मैं माता के दर्शन के लिए निकली और मैं रेडी हो चुकी हूँ और माता का दर्शन करने जाना है, क्योंकि मेरी इष्ट देवी माँ लक्ष्मी है। मैं आपको बताई थी दीपावली पर, और मुझे माँ का पूजा करना है। और टेम्पो में बैठी थी मैं, इसलिए हंस रही थी कि इतना ना जर्किन लग रहा था कि हम लोग कूद रहे थे, तो हंसी रुके नहीं जा रही थी। मोबाइल पकड़ने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो इग्नोर कीजिएगा। तो ये बाज़ार है हमारे, तो ये हमारा बाज़ार है और काफ़ी भीड़ था। और रास्ते में ही ये डॉगी मिला, बहुत ही स्वीट था। और ये थोड़ा गंदा कर दिया, गंदा था। और इसे इतनी छोटी थी, तो बड़ी लग रही है, बहुत छोटी थी ये। और मैं बोल रही थी कि आप क्यों बांध कर रखे हैं। और ये हमारा बाज़ार है, वैशाली का बाज़ार है, वैशाली लालगंज का। और ये तिनपुलवा का मार्केट है, तो मैं यहीं से शॉपिंग की हूँ इस बार। कुछ सामान ली हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या ली। तो माँ लक्ष्मी का बड़ा अच्छा रहा था, आईने की डाई का था और दुल्हन की तरह घर की सजी थी और सारी गलियां सजी हुई थी। जहाँ तहाँ मंडप जैसे माँ का प्रस्थान किया जा रहा था विदाई के समारोह में, और कहीं कहीं माँ लक्ष्मी बैठी हुई थी। तो आज बृहस्पतिवार था, ये कल का है, इसमें मैं कल का भी डाली हूँ। तो देखती हूँ माँ लक्ष्मी को किस तरह भव्य तरीके से विदाई दी गई है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आज विदाई हो ही गया और बहुत कुछ खाली हो चुका है। और छठ पूजा का तैयारी चल रहा है, मार्केट में जोर शोर से भीड़ चल रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखकर। तो हम सनातन धर्म के लोगों के लिए यही इंतज़ार होता है, माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी छठ पूजा कितना अच्छा लगता है। मुझे तो बेसब्री से इंतज़ार होता है। और कभी हमारा भी घर खुशहाल था और इस त्यौहार को, लेकिन अब हम लोग सिर्फ देखते और महसूस करते हैं खुशी को। तो माँ लक्ष्मी की सुनहरी एकदम चांदी जैसी थी, कुछ सामने से तो काफ़ी खूबसूरत थी, इतनी प्यारी लग रही थी। तो मैं इनका वीडियो भी देखने, माँ लक्ष्मी कितनी प्यारी लग रही है। और ये माँ दक्षिणेश्वरी को कल विदा किया गया, तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ काली का भी विदाई हुआ। और भी देखिए परी जैसी लगी है माँ लक्ष्मी, सब जगह अलग अलग रूप सजाया गया था, काफ़ी खूबसूरत थी। और आप देख भी रहे होंगे वीडियो से, अच्छा सामने लग रहा था। तो माँ लक्ष्मी परी भी लग रही है मेरी नज़र से, तो कमेंट मत कीजिएगा। पर ये मेरी माँ बहुत सुंदर है और ये माँ लक्ष्मी है और ये भी काफ़ी खूबसूरत है। मुझे तो माँ लक्ष्मी की भी बहुत खूबसूरत, बहुत पसंद है बचपन से ही, जब शायद मुझे खुद की बुद्धि भी नहीं थी नाम लेने की। और माँ लक्ष्मी से बहुत प्यार करती हूँ, तो ये भी माँ लक्ष्मी जो अभी विसर्जन के लिए नहीं गई है, तो यहाँ मैं पूजा अर्चना की और फूल फूल भी गए थे जाते जाते मार्केट की, फिर माँ लक्ष्मी का पूजा करने आई। तो माँ लक्ष्मी है, देखिए कितनी खूबसूरत मेरी माँ लक्ष्मी। मेरी माँ लक्ष्मी जैसी किसी की माँ नहीं, मुझे माँ बहुत पसंद है। और मेरी माँ लक्ष्मी लक्ष्मी है और इस घर की लक्ष्मी मेरी माँ है, ऐसा मेरे पापा भी कहते थे और मैं भी कहती थी, बाकी सबका पता नहीं। तो चलिए चलते हैं, माँ का दर्शन हो गया और काफ़ी थक गई थी, बहुत ही टायर्ड हो गई थी और खा कर भी नहीं गई थी। आप देख रहे होंगे मैं कितनी थकी थकी सी लग रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन माता का दर्शन करके मुझे काफ़ी अच्छा, कई दिनों से सोची जाने को लेकिन गई नहीं। और रास्ते में जाते जाते एक और चीकू मिला, इसका नाम चीकू था, ये भी बहुत स्वीट थी, लेकिन उससे ये लंबी थी और ये मुझे देखकर ऐसे बार्किंग नहीं कर दिए, ये किसी और स्ट्रीट डॉग को देख के बार्किंग कर रही, मुझसे तो बात कर रही थी। तो मैं इसका वीडियो ली और घर आते ही देखिए लीली को, लीली एक सेकेंड भी मेरे से दूर नहीं रह सकती। मम्मी सुमन का कहनाम था कि ये तुम्हारे बगैर रो रही थी, पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ रही है। फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं, ये मुझसे बेपनाह प्यार करती, मुझे पता है, बाकी किसी का नहीं पता। फ्रेंड्स अगर आप हमारी वीडियो में आए हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलती हूँ।